जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलावों की खबरों से युवाओं में बना उत्साह का माहौल मानो अब खत्म सा होता जा रहा है, क्योंकि इन बदलावों को लेकर फिर से अभी तक कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आई है और अब ऐसा लग रहा है कि मानो शायद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन दूसरी ओर वो युवा जो अग्निपथ योजना में चयनित होकर सेना में अग्निवीर बन चुके हैं, तो अब ऐसे में उन युवाओं के लिए दो बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, पहली खबर तो यह है कि अग्निवीरों को रेलवे बोर्ड की नौकरियों में 15% तक आरक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी राज्यसभा सदस्य सुनील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अग्निवीर के रूप में सेवा देने वाले युवाओं को रेलवे बोर्ड की नौकरियों में 15% तक आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण राजपत्रित पदों के लिए लेवल एक में 10% और लेवल टू और इससे ऊपर के पदों में 5% तक आरक्षण दिया जाएगा। सेना में 4 साल तक सेवा देने वाले अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। साथ ही आरपीएफ आरपीएसएफ में कांस्टेबल के पदों के लिए भी 10% तक अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर के पहले बैच के रिटायर होने वाले अग्निवीरों को रेलवे की भर्ती में पहली बार जो अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें 5 साल उम्र में छूट दी जाएगी, जबकि इसके बाद जो लगातार बैचेज अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे तो उन तमाम अग्निवीरों को 3-3 साल उम्र में छूट दी जाती रहेगी। आपको यह भी बता दें कि एक बड़ी जानकारी यह भी है कि रेलवे में अभी 2.5 लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं। वहीं दूसरी अच्छी खबर अग्निवीरों के लिए यह भी है कि अब सेना में सेवा के साथ साथ यह अग्निवीर आगे की पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके लिए इग्नू ने कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम में कुल 120 क्रेडिट शामिल किए गए हैं, जिनमें से 60 क्रेडिट के पाठ्यक्रम इग्नू की ओर से जबकि 60 क्रेडिट सशस्त्र बलों की ओर से सेवाकाल कौशल शिक्षा के रूप में पेश किए जाएंगे। यानी इस पूरे मामले को सामान्य भाषा में कहें या सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब अग्निवीर बनकर सेना में सेवा के साथ साथ अग्निवीर स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि उनको भविष्य में दूसरे किसी क्षेत्र में भी आसानी से अवसर मिल सके। बात करें अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों को लेकर, तो अब इसको लेकर यही माना जा रहा है कि शायद चुनावों के और अधिक नजदीक आने का शायद इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक होंगे तो हो सकता है कि अग्निवीर योजना में बदलावों को लेकर घोषणा कर दी जाए। इसके अलावा सीआरपीएफ में 1,29,000 वैकेंसी जो आने वाली है, आर्मी में 41,000 से अधिक वैकेंसी के जो फॉर्म शुरू होने हैं और यूपी पुलिस सहित और भी अन्य विभागों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होने हैं जिन पर फॉर्म भरे जाने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी भर्तियां चुनावों के नजदीक आने पर शुरू हो सकती हैं। इसलिए आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप तमाम युवा अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन तो जारी होने ही है, फॉर्म भरे जाने ही हैं और भर्तियां तो कराई ही जाएंगी। अगर थोड़ा गाना लेट भी हो सकती है, लेकिन आप यह सोचकर चलें कि अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और आपको उस समय तैयारी के लिए पूरा समय नहीं मिलता है तो फिर आपके हाथ से यह बड़ा मौका यूं ही निकल सकता है। इसलिए आप सभी युवा नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे रहें। विशेषकर रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपको अभी से कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। भले ही आप थोड़ा थोड़ा समय निकालकर तैयारी करें, आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं, आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपने पहले अभी कोई एग्जाम दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी किसी भी सब्जेक्ट में कम है, तो आप उसके लिए थोड़ी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए अभी से आप 1-1-2 घंटे का समय निकालेंगे, अपनी तैयारी को करते रहेंगे, और एक ये है कि जब फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद में समय कम बचेगा, फिर आप 8-8-10-10 घंटे तैयारी करेंगे, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपनी तैयारियों को करते रहें, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जब आपकी भर्ती होगी, तो उस समय आपको ये जो आप तैयारी के लिए समय निकालेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।